वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत भाइयों के कमेंट्स आते हैं, भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, क्रिकेटर कैसे बने, फ्री में एकेडमी कैसे ज्वाइन करें, क्रिकेट किट कैसे अफोर्ड करें, फ्री में सक्सेसफुल क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके इसी डाउट को क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। लेट्स बिगिन। तो देखो गाइस, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स जब आप देने जाओगे तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर पाओगे अगर आपने पहले क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया होगा, अच्छे से आप लोग खेल रहे हो एक दो साल से, तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट आराम से क्लियर कर जाओगे। अगर आपने एक साल भी अच्छे से क्रिकेट खेला तो आपके कुछ महीने में बेसिक्स बन जाएंगे, उसके बाद आप लोग डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक दो साल लगेंगे, आप लोग डिस्ट्रिक्ट क्लियर कर जाओगे, लेकिन आप लोगों के मन में डाउट्स होंगे, भाई हम फ्री में क्रिकेट एकेडमी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, ऐसी भारत में बहुत सारी क्रिकेट एकेडमीज है, एलबी शास्त्री क्रिकेट एकेडमी, एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी, ज्वाला सर की क्रिकेट एकेडमी है मुंबई में, मुंबई क्रिकेट क्लब, और भी बहुत से एकेडमीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देती है। लेकिन क्यों, अगर आपके अंदर टैलेंट होगा वो आपका पहले ट्रायल्स लेती है वो सारी क्रिकेट एकेडमीज, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन करती है और आपको फ्री में ट्रेनिंग देती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप फ्री में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में क्रिकेट किट आपको कैसे मिलेगा, देखो थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन एक दो तरीके हैं जिससे आप फ्री में क्रिकेट किट का जुगाड़ कर सकते हैं। आप लोग ऐसे बंदे को कॉन्टैक्ट करो जिन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया हो, उनके पास क्रिकेट किट हो तो उनसे आप ले सकते हो, या फिर आप लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, उधर से आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी, तो उधर से भी आप क्रिकेट किट खरीद सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा भी इनकम होगा ना तो भी आप लोग अर्न कर पाओगे। तो ये सारे तरीके हैं भाई, देखो काम करोगे मेहनत करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगा, ठीक है। तो एक बार आपने डिस्ट्रिक्ट पे अच्छा खेल लिया तो उसके बाद आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, तो फ्री क्रिकेट एकेडमी भी आपको मिल सकता है और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिकेट किट भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भाई, और देखो डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स की फीस तो ना के बराबर होती है, 200-300 रुपए होती है, तो वो तो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। देखो गाइज, अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट खेलोगे उधर सिलेक्शन हो जाएगा ना आपका, तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, आप लोग एज अ रजिस्टर्ड प्लेयर खेल पाओगे डिस्ट्रिक्ट के सारे टूर्नामेंट्स। उधर अगर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसके बाद आपके सारे सक्सेस होने के रास्ते शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपको स्टेट टीम में ले लिया जाएगा। उसके बाद सारा प्रोसेस तो आपको पता ही है, आईपीएल है, इंडिया टीम है, इंडिया अंडर 19 है, तो सारा प्रोसेस रहेगा, वो सब कुछ ओपन हो जाएगा। बस एक बार आपका डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर अच्छा परफॉर्मेंस करना रहेगा, तभी डेली से और अच्छा परफॉर्मेंस करना रहेगा, तो डेफिनेटली आगे की तरफ आपका सिलेक्शन होता चला जाएगा। और आजकल तो और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है, रेडबुल जानते हो आप, राजस्थान रॉयल्स का ऑफिशियल स्पॉन्सर, उनके भी ट्रायल्स होते हैं, रेडबुल स्पीडस्टर ट्रायल्स, तो उधर भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। आईपीएल के नेट बॉलर ट्रायल्स होते हैं, उसके लिए ना ही आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना रहता है ना ही स्टेट, डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ओपन ट्रायल्स होते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, आजकल बॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फास्ट बॉलर्स की, स्पिनर्स की, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की, तो इन सब की डिमांड ज़्यादा है, चाइना मैन की, ठीक है। तो बॉलर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, आईपीएल ट्रायल्स दोगे, एज अ नेट बॉलर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आईपीएल भी खेल पाओगे और उसके बाद टीम इंडिया तक भी पहुंच पाओगे। तो आपको अच्छा बस परफॉर्मेंस करना है, जहां भी जाओगे भाई फ्री में आराम से क्रिकेटर बन जाओगे, उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। जो जो टैलेंटेड होते हैं ना वो ऐसी बातें करते ही नहीं, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होता है, ऐसी बातें कौन करता है भाई, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है बस पेटी भर के पैसा है वही ऐसी बातें करते हैं। जो अमीर है उनके पास तो पैसे बहुत हैं, तो वो पैसे खिलाएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे और अपना सिलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन जो जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली फ्री में खेल जाते हैं। आपने इस प्रकार की बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी होंगी, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, मोहम्मद सिराज, नटराजन, इस प्रकार के बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। तो गाइज आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, डेफिनेटली गाइज सिलेक्शन होगा यार। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए बताओ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू गाइस।